चले बेटा आगे चलते हैं। हमारा अगला जो टॉपिक है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ ट्रांसपिरेशन। ये भी आपकी बुक में लिखा हुआ है, ट्रांसपिरेशन क्यों जरूरी है। ठीक है, फवायद क्या है ट्रांसपिरेशन के, ये भी हम आज अपने उस लेक्चर के अंदर इंक्लूड कर देते हैं। मैं पहले उनकी एक लिस्ट बना देता हूँ। ठीक, ट्रांसपिरेशन के जरिए वाटर इज प्रोवाइडेड, वाटर इज प्रोवाइडेड टू मीसोफिल सेल्स, प्रोवाइडेड टू मीसोफिल सेल्स। अब आप पूछेंगे सर मीसोफिल सेल्स क्या होते हैं। मीसोफिल सेल्स जो है उनको हम फोटोसिंथेटिक सेल्स कहते हैं, यानी जहाँ पर फोटोसिंथेसिस होती है पत्तों के अंदर, तो पत्तों के जो सेल हैं उनको हम फोटोसिंथेटिक सेल्स, उनको हम मीसोफिल सेल कहते हैं। तो सबसे जो पहली और इम्पॉर्टेंट बात हो जाएगी वो ये होगी कि पानी पहुँचता है फोटोसिंथेटिक सेल्स के जरिए के अंदर, किसके ज़रिए, ट्रांसपिरेशन, कैसे पहुँचता है हम चाहेंगे पानी। ठीक है, एक्सेस वाटर इज लॉस, एक्सेस वाटर इज लॉस्ट, जो अक्सर ज़्यादा पानी होता है उससे जो है छुटकारा मिल जाता है किसको, प्लांट को। तो ट्रांसपिरेशन इसलिए भी ज़रूरी है। मेंटेन्स द टेम्परेचर, पानी जो है उसका लॉस जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है, मेंटेन्स द टेम्परेचर। ठीक हो जाएगा। उसके बाद मेंटेन्स वाटर, मेंटेन्स वाटर थ्रू आउट द बॉडी, इसको एक एक करके पढ़ते हैं, थ्रू आउट द बॉडी, एक ये भी हो जाएगा। ठीक है, और एक जो है वो हेल्प्स इन प्रोवाइडिंग न्यूट्रिएंट या फिर न्यूट्रिएंट मिनरल्स टू प्लांट्स, टू एब्जॉर्प्शन में भी मदद करता है, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन। इसको मैंने छोटा छोटा करके लिख दिया है आपके बुक में, जरा डिटेल में लिखा, हेल्प्स इन एब्जॉर्प्शन ऑफ मिनरल्स। ठीक हो जाएगा। ये मैंने वो बड़े बड़े टॉपिक लिख दिए हैं, आइए जरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है बेटा, ये जो है वो हमारा एक स्कीमिक डायग्राम है हमारे पत्ते का। ठीक, और आप ये बात जानते हैं कि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस होती है, फोटोसिंथेटिक सेल्स हैं। और ये मान लीजिए मेरा इमेजिनरी जो है वो तना है, तना यानी स्टेम थोड़े हैं मेरे पास। ठीक है, और यहाँ से पानी चढ़ना है ऊपर। ठीक है, तो बेटा एक बात जहन में रखिएगा, जो पानी की ड्राइविंग फोर्स होती है, कोई मोटर तो नीचे लगी भी नहीं है कि इसको पुश करे ऊपर, हम नीचे से धक्का मारने वाली कोई ऐसी फोर्स तो है नहीं। तो जो है वो पता है क्या है, वो फोर्स है जिसकी वजह से पानी एक दूसरे का, पानी का मॉलिक्यूल एक दूसरे के पीछे भागा आ रहा है। क्या मतलब है इसका बेटा, वाटर के मॉलिक्यूल के दरमियान आपको मैंने बताया होगा, केमिस्ट्री के टीचर्स ने भी आपको ये बात बताया होगा कि इनके दरमियान फोर्सेस होते हैं जिनको हम इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं। कौन सी फोर्स, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स कहते हैं।
और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो है वो किस वजह से होती है, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स की वजह से होती है। और हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो हैं, समझ रहे हो ना, मैं इसको ज़्यादा प्रोफेशनल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई होप यू आर मेकिंग सेंस ऑफ दिस होल थिंग। सो वाटर मॉलिक्यूल इज अट्रैक्टेड टू ईच अदर बाय व्हाट, बाय द हाइड्रोजन बॉन्ड्स। वी आर जस्ट मेकिंग इट सिंपल, ओके। सो इफ वन मॉलिक्यूल इज एट, एक पानी के मॉलिक्यूल को आप ऊपर बुलाओगे तो दूसरा भी आ जाएगा। एक को आप ऊपर खींचोगे तो दूसरा उसके साथ पीछे पीछे आता रहेगा, लेकिन यहाँ खींचना ज़रूरी है। और खींचने वाली जो फोर्स है उसे हम ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल कहते हैं। वो जो एनर्जी चाहिए वो सूरज की रोशनी से मिलती है, और सूरज की रोशनी ही वो लीडिंग फैक्टर है जिससे ट्रांसपायरेशन होती है। बेटा याद रखना है, ट्रांसपायरेशन का 98% होना इस बात पर डिपेंड करता है कि सूरज की रोशनी कितनी है। तो अगर पानी ऊपर खींचेगा ट्रांसपायरेशन पुल के ज़रिए, और ट्रांसपायरेशन पुल किसके लिए, किसकी वजह से होगा, सनलाइट की वजह से होगा, सनलाइट की वजह से होगा, और सनलाइट की वजह से होने के ट्रांसपायरेशन पुल होगा। तो एक मॉलिक्यूल के पीछे दूसरा आएगा, तीसरा आएगा। इसका मतलब फोटोसिंथेटिक सेल्स तक जो पानी पहुंचता है वो ट्रांसपायरेशन पुल की मेहरबानी है। सर कैसे, 100% जो पानी चढ़ता है आप वो निकालने के लिए थोड़ी करते हो, 100% में आप 50% चले निकाल लेते हैं। 50% पानी आपका इन सेलों में चला जाता है ताकि फोटोसिंथेसिस कर सकें। इसका मतलब ये है कि ट्रांसपायरेशन पुल जो है वो चलता ही इसलिए है कि पानी पहुंचाया जा सके कहाँ तक, फोटोसिंथेटिक सेल्स तक। अक्सर जुमला कहा जाता है, सुना भी होगा आपने, कि ट्रांसपायरेशन इज द नेसेसरी एवो, यानी वो काम है जो हर सूरत में करना पड़ेगा, ना करेंगे तो मर जाएंगे। जैसे आप सोच रहे होंगे कि सर अगर गर्मियों के दिन हो, पानी नहीं हो, तो क्या फिर भी प्लांट करेगा ट्रांसपायरेशन? करना पड़ेगा उसको सर। क्यों करना पड़ेगा? ताकि पानी फोटोसिंथेटिक सेल्स तक पहुंच सके। तो हमने कहा ना, वाटर इज प्रोवाइडेड टू मेसोफिल सेल थैंक्स टू ट्रांसपायरेशन। एक्सेस वाटर हो रही है, तो हम कह चुके हैं कि पानी का 50% हिस्सा जो है वो ज़ाया होता है एक्सेस वाटर अपना ट्रांसपायरेशन के ज़रिए। अच्छा, शायद आपने ये भी सुना हो कि ट्रांसपायरेशन कॉजेज कूलिंग। एक्चुअली ये ट्रांसपायरेशन के लिए नहीं है लव्स, ट्रांसपायरेशन की जगह पर एक और लव्स इस्तेमाल होता है जिसको कहते हैं, केमिस्ट्री का प्रोसेस है, एवापोरेशन कहते हैं। एवापोरेशन कॉजेज कूलिंग, जब पानी निकलता है या बुखारात बन के टूटता है तो वो ठंडा करता है बॉडी को। तो अगर वार्म टेम्परेचर है, जैसे हमको पसीना आता है, हमको पसीने के बाद कैसा फील होता है, ठंडा फील होता है ना, तो एवापोरेशन जो है वो क्या करती है, कॉजेज कूलिंग। जाते हैं ना आप कहाँ पर, ये जो वाटर पार्क वगैरह जाते हैं, वहाँ पर ज़मीन में इस तरह के फुहारे लगे हुए हैं जो पानी को वेपर्स बना के हवा में उड़ा देते हैं, वहाँ से आप गुजरेंगे आपको ठंडा ठंडा फील होगा। क्यों? एवापोरेशन जो, वो तो खैर एवापोरेशन नहीं है, लेकिन एवापोरेशन जो है वो भी कॉजेज, वो पूरी ही है, उससे ही रिलेटेड प्रोसेस है वो। और उससे क्या होता है, ठंड होती है हमें, यानी कूलिंग होती है। उम्मीद है मेरी बात समझ में आ रही है। पानी पहुंचता है सारे पार्ट्स में, ये बात भी समझ में आ रही है, क्योंकि पानी यहाँ से ऊपर जाएगा तो डिफ्यूज होता हुआ दूसरे पार्ट्स में भी चला जाएगा। न्यूट्रिएंट मिनरल्स कैसे पहुंचते हैं, मतलब ये जहन में रखना, जब आप यहाँ पर फोटोसिंथेसिस अगर हो रहा है तो C6H12O6 यहाँ पर बन भी तो रहा होगा ना। तो अगर वो जो शुगर है बन चुकी है, सारी तो इस्तेमाल नहीं करता होगा, जितनी पकाता है उतना तो नहीं खाता होगा। जो पकी हुई शुगर है उसको फिर वो अपने ग्राउंड टिश्यूज के अंदर, जो कि जनरली रूट्स में पाए जाते हैं, कौन से ग्राउंड टिश्यूज, जनरली रूट्स में पाए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि वो ग्राउंड ही के अंदर पाए जा रहे हैं।
हो सकता है वो फ्रूट्स में भी शुगर को स्टोर करें, हो सकता है वो ग्रेन्स में भी, सीरियल्स में भी स्टोर करें। आप जो कणक खाते हैं यानी गंदुम खाते हैं वो कहाँ से आती है? वो स्टोर कार्बोहाइड्रेट होती है जो प्लांट ने ओवर द ईयर्स फोटोसिंथेसिस करके स्टोर करी होती है। मगर होती कैसे है? वो यहाँ पर जब जमा होगी उसको नीचे ले जाने के लिए ये पानी उसको नीचे लेकर आ जाएगा। कैसे नीचे लेके आता है बेटा? अभी मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि सॉल्यूट के पीछे पीछे पानी भागता है। आपने शुगर बनाई, पानी पीछे आएगा, लेकिन सॉल्यूट वहाँ जाएगा जहाँ पर वो कसरत में कम होगा बेटा। तो जहाँ पर बन रहा है वो ज़्यादा होगा, जहाँ पर बन रहा है वहाँ ज़्यादा है पानी उसके पीछे आएगा, तो फिर जहाँ पर वो ज़्यादा है वहाँ से वो भागेगा किस तरफ? जहाँ पर वो कम है। और कम कहाँ पर होगा भाई? नीचे की तरफ कम होगा। जहाँ से बन रहा है वहाँ पे तो ज़्यादा होगा, नीचे जाके वो स्टोर करता है। तो स्टोर करने के लिए और मिनरल न्यूट्रिशन को जमा करने के लिए ये भी ट्रांसपिरेशन हेल्प करता है, करेक्ट? मिनरल्स को एब्जॉर्ब करने के लिए। देखिए यहाँ पर अगर कोई मिनरल है तो वो पानी में उठ ऐसे खड़े होकर उसमें नहीं जा सकता, वो पानी के ज़रिए इसमें अंदर आएगा। तो पानी जो है वो इस मिनरल को भी ऊपर ले जाने में मदद देता है। तो सारा जो मेहरबानी है वो हमारे पास किसकी है? वो है ट्रांसपिरेशन की। लेकिन उसके लिए बेटा ज़रूरी ये है कि आप ट्रांसपिरेशन पुल को समझिए। ट्रांसपिरेशन पुल के समझे बिना मेरा नहीं ख्याल कि आपको इसके फ़ायदे पता चलेंगे, क्योंकि ट्रांसपिरेशन पुल से ही रिलेटेड हैं सारे ये फ़ायदे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी। अगर कोई सवाल है तो वो आप व्हाट्सएप ग्रुप में मुझसे सवाल कर सकते हैं, मैं उसी वक्त आपको उसका जवाब दे दूँगा। तो ट्रांसपिरेशन पुल से हमें क्या फ़ायदे हुए भाई? हमें मिला ट्रांसपिरेशन पुल से मीसोफिल सेल में पानी पहुंचा, प्रोविजन ऑफ वाटर ये हुआ, दूसरा कूलिंग हुई यानी ठंड हुई, ओके। तीसरा मिनरल न्यूट्रन एब्जॉर्ब हुए, मिनरल एब्जॉर्प्शन, ये जो हमने कहा था ना कि स्टोर होता है ग्राउंड टिश्यू में, इसको बेटा बल्क फ्लो कहते हैं, बल्क फ्लो कहते हैं, या फिर सोर्स टू सिंक कहते हैं। ये भी फायदा है इसका, मतलब वही इसी से रिलेटेड है। मैंने यहाँ पे लफ्ज़ों में लिखा है, यहाँ पर ये बल्क फ्लो है। और इसके अलावा क्या था भाई? एक्सेस वाटर इज लॉस्ट, लूज एक्सेस वाटर। तो चलो ये वीडियो ज़रा बड़ा बन गया, मगर इसमें हमें डिटेल में चीज़ें समझ में आ गई, ठीक हो गया।